चलिए कार्तिक मास आज हूँ कार्तिक मासर ऊनविंश दिन न्यूज अड्डा ओडिशा परिवार तरफ स्वतंत्र भेटी कार्तिक महात्म्य स्वागत करुच्छे मतीश्री तेज आसतु शुणा कार्तिक महात्म्यर ऊनविंश अध्याय विष्णुदूत उवाच एवं समराधायित्व तो श्रीयः पतिं तयुस्तु चुलस्वरं विष्णुदासयोः अपार काले चुलस्वर विष्णुदासयो स्तनिष्ठ सर्वेन्द्रिय कर्मणोरपि शुण हे विप्रधर्मदत्त जे पूर्वे प्रच्छन्न भगत से राजा चोल चक्रवर्ती धर्मी निश्चय तार मति से विष्णुदास संगते गयागमन करते मिले मृदु गुल पासे चरण न मिले विशसे कल्याण कले मुनि बर राजा कहई जोड़ी कर भोगुरु शुण सावधाने आम्भे विवाद बे निजने धर्म पचारी आसीअछु जे जहा कर्मे अर्जी अछु कहिबु तुम आगे सत तुम्भे बुझिब बे निमत अधिक हेब कहा धर्म तुम्भे कहिब यथा कर्म प्रथमे मोर धर्म शुण मो इष्ट देव नारायण तार संतोष मोर वृद्धि नित्य कर पूजा विधि जावत अरजयी धन दाने संतोष मोर मन क्षुधार्थ अतिथि प्रदेशी यहाँ अन्न दे तोषी कर ई धर्म कीर्तिमान कुपत डाग उपवन गोशाला धर्मशाला घर निरक्ष जनक मंदिर प्रसाद प्रकार मंडप विजय कर विष्णु रूप आधि उपाधि भिआई जतने छत्र दान दे ग्रीष्म काले जल दान सर्वदा काले मिष्ट अन्न क्षुधार्थ जन ग्राफ से आसी निरते देउ थाई जाची राजसुयादि यज्ञ जेते करु थाई मु विधि मते आवर देश काल दिने सुपात्र दान शुद्ध मने एमंते धर्म मोर जेते संक्षेपे कहिबी मु केते तुम्भे कथा अनुसरी बुझिबा विप्रंकु प्रचारी ए धर्म करिअछि जेते लक्ष्य कि मो धर्म संगते ए वाणी शुणी विष्णुदास कहुछि जाज्ञिकर पास बोलोई शुण सावधाने मु द्विज थाई तो समने तुलसी वृक्ष सेवा करी गोविंद नाम मने धरी वेदाध्ययन करी मुखे दिन मंचई दुखे सुखे तुम आन धर्म नाही नुपति तुले बाद काही तुम्भे धर्म अनुसरी राजंकु कह बोध करी ए वाणी मृदगुल श्रुणी उद्बोध करी मने गुणी जानिले विप्र धर्म श्रेष्ठ नृपति करीछि अनिष्ठ स्वभावे रज गुण फले तामस उपजयी हेले एकथा उचित एहार आम्भे कहिलु नृप बर कियबा नहिब संतोष ए अम्भ यजमान शिष्य एके ब्राह्मण महातपी मिछ कहिले हेब पापी एथकु उपाय करिबा अन्य मुखरे कुहाइबा एते विचारे मुनिबर राजाकु कहन्ति मधुर हेनुप शुण मन दे तुम्भे आसिल जही पाई से कथा कहिबा प्रच्छन एबे आम्भर वाक्य शुण पाग संपूर्ण हेबा जाए तु राजा थाओ एही ठाए विप्र ही थाओ तोर मेले तु अनु भुंज जागशाणे विप्रंकु देउथिबा संचा धर्म ही करुथिबा वंचा देवंकु हवि दे तोषी समस्ते सभा करि बसी फेड़िबा तुम्भर संदेश शुणी नृपति मन तोष गुरुंक आज्ञा घेणी सिरे अन्न भुंजई तांक घरे रांधणा संचा बसा घर से विप्र देले मुनिवर से विप्र पाइण सम्मान स्वहस्ते पाक कला अन्न व्यंजन आदि जत्न करी रखिले पत्र पात्रे भरी कबाट किली निज हाते नदी की गले स्नान अर्थे स्नान करीण गंगा निरे प्रवेश हेले आसी घरे द्वारक बाट फिटी अछि अन्न व्यंजन नाही किछि देखि विस्मय विप्रवर मनरे करई विचार मुझे कबाट गली किली फिटाई देला कि और गली अन्न व्यंजन सबु नेला भला से बाट चाहिथिला एकथा होइला प्रकाश लोके करिबे उपहास बोलिबे आहे विप्रवर ए पुण्य स्थाने नाही चोर आहार संपूर्ण नहिला एणु बोलुछु चोर हेला आहार संपूर्ण नहिला एणु बोलुछु चोर नेला दोहरा भोजन निमन्ते कहुछि विचारिबे चिते कियबा संपादिबे चोरी चोरकु दंड देबे धरि से दंड आम्भ जोगु हेब केते से प्रभाव पाइब स्वभावे दिन हीन नरे से सिना अन्न चोरी करे तार शरीरे बल नाही गंजणा न पारिब सही प्रभावे पाइले मरिब से हत्या आम्भंकु लागिब कियबा धर्म आत्मा जने चोरकु न दंडिब ज्ञाने आम्भ निमन्ते दुखे पड़ी पुणि रांधणा थिब लोड़ी आम्भंकु रंधाइबे अन्ने केमन्ते करिब भोजने स्वभावे सायं काल गला रजनी प्रवेश होइला निशारे पूजा वैश्व देव केबे हे निर्वाह नहिब रंधन न करिब जेबे सुजने संतोष नहिबे एमन्त अछि बहु क्लेश एकथा कले परकाश तेणु ए निज कर्म
दोष आज रहिबा उपवास एते विचारी द्विज बर भुंजिला कमंडलु नीर संतोषे पुहाइले निसि प्रभाते स्नान सारि आसी इष्ट देवता पूजा करी विष्णु गायत्री जप करी एथु अंतरे जे जाज्ञिके जावत चरचा सेवके हविष्य अन्न को तंडुल नवीन भाण्ड काष्ठ जल व्यंजन अर्थे मुग घृत्य दधि लवण सेवा कृत्य अनल आदि तृण तुले विष्णुदास को आनीदेले विप्रता देखी तो सचिते स्वापक संपादि तुरीते द्वारे स्नाहागे बेगे सारी करे तुलसी जल धरी अन्य व्यंजन थिला जही जाई देखिला किछि नाही चकित होई द्विज बर आत्मा बाधिला भखी नीर से कथा प्रकाशन कला उपास से दिन गला से कथा प्रकाशन कला उपास से दिन रहिला आर के दिन विप्र पुणी रांधणा संचा देले आनी क्षुधार्त होई विष्णुदास से दिन रांधिला पायस शीतल अर्थे पत्रे बाढ़ी आपे बसिला द्वार माड़ी क्षुधारे पाई बड़ श्रम अल्पे आकर्षिला घूम दक्षिण तेजिला अलस चाहिला न देखि पायस मने नहिला आत्मा क्रोध उदक पाने आत्मा बोधि पुणी ही चतुर्थ दिवसे अन्न रांधिला निरल से सत्वरे पखाली पयरे क्षुधारे हुई तत अन्न रांधिला जत्न करी करे उदक चौलु धरी गोविंद रूप मने हे जी ध्यान गोचरे चक्षु बुझी विष्णु को कला निवेदन चाहिला पात्रे नाही अन्न न देखि विमुख नहिला विचारे मोर कर्म भला जेउ क्षुधार्थ दिन जने नीति हरई मोर अने आत्मा करई तार तोष ए मोर पूर्व भाग्य जस एमंत मने विचारिला से दिन उपवास कला एही प्रकार प्रतिदिन के घेनी जाए तार अन्न नयन पिछाड़ीबा मात्रे अन्न न थाए आउ पात्रे एमंत सप्तदिन गला ब्राह्मण मने विचारिला के हरु अछि मोर अन्न मते त नहेला गोचर कि सेवा देवता भूत प्रेत के करु अछि एडे कृत्य किए बा उरग नर दुखी मुहित न पारिले देखी आज धरिबि लुचि बसी के अन्न नेउ अछि आसी एते विचारी विप्र मन तुरीते सारिला रंधन कुठीरे भोजन संजोगी भितरे बसी अछि जगी एही समय एक नर अति दुर्बल कले बर वयसे वृद्ध अस्थि चर्मा चंडाल रूपीहीन कर्मा छिंडा लेंगड़ा वस्त्र धरी कटीरे बांधी अछि भिड़ी गळारे लंबी अछि खंडे पाद दौड़ी डोर मुंडे चालंते तनु थर थर नयनु झरु अछि नीर क्षण क्षण के ताहा पुछि आग पछ को चाहूँ अछि अल्प नईबा पराए मने विराजु अछि भय ब्राह्मण गृहे आसी मिले बाढ़िला बसी अन्न तोली मंदिर हुअन्ते बाहरे ब्राह्मण डाकिला पछरे किंपा नेउ अछु तुच्छा अन्न भितरु दिय व्यंजन गोखीर घृत दधि लुण संजोग देवी एहि क्षण स्वस्थाने बस अन्न भुंजि मनरु भय भ्रांति तेजी एमंत विप्रवाक्य कन्ने शुणि चंडाल भय मने अन्न पकाइ पळाइला आगे जे उच्च भूमि थिला झुंटी पड़िला मुह माड़ी पिंडरु प्राण गला छाड़ी ता देखि विष्णुदास चाहि अति आकुल मन होइ अन्न चोर को तोली बेगे देखिला जीव नाही अंगे ताटका होइ द्विज बर मुखे सिंचिला शीत नीर पत्र पल्लव बेनी करे सम्मुखे विंचे धीरे धीरे निज बसने घेनी धूली पोछी आपणा अंगे बोली निर्जीव देखी तार देहे विप्र बुड़ीला शोक मोहे विकले कर रोदन बोलई धिक मो जीवन एड़े अकर्म्य किंपा गली निश्चय जीव थाउ मलि क्षुधार्थ जन अन्न ग्रास मूर्ख स्वभाव कलि नाश मुनिए कही पूर्वे खाइबा ग्रास भांगे जेबे शपत जन्म परिजन्ते अन्न न मिले कदाचित आहार देखाइजे जन घेनई प्राणी जीवन से प्राणी कूर्मी पोक होइ तपत नरके पड़ी थाई जुग अंतरे पशु जोनि लभई पूर्व कर्म घेनी मु एहा जानई स्वरूप अज्ञाने अरझिली पाप एमंत कर रोदन शुणी अनेक विद्वजन आसी मिलिले तार पासे ताहांकु देखि विष्णुदास बोइले अतिथि श्रेष्ठ मो जुग होइला प्राण भ्रष्ट तेणु मु एहार संगते अनले झासिबि निश्चन्ते एथकु कर उद्योग नाही मो जीवनर भोग एमंते विप्रशुद्ध मन जाणिले जगत जीवन तक्षणे आज्ञा परमाणे से मृत सब गला केणे आपणे दिव्य रूप धरि गरुड़ पृष्ठे विजय करि देखन्ति सुरनर ऋषि उज्ज्वल्य ज्योति ब्रह्म राशि अतसि पुष्पकांति वर्ण पीतवसन परिधान चक्र कमल शंख गदा जे अलंकार अंगे सदा ए कुआर केतेज कांति ज्योति शरीर विराजंती शुभई जय शंख नाद पारु से बेढ़ी परिषद बहु संपद व्यवहार मिलिले विष्णु
दास ठारे चारि आयुध चारि भुजे घेनिदे बाधिदे बराजे विप्रकु बेनी करे तोली गरुड़ कंथे बनमाली कोले बसाई जानती शून्य देखती गयावासी जने राजा जे गुरु पासे थिला ता देखि विस्मय होइला गुरु को कहई वचन किस पुछबी आउ पुण्य देखि ब्राह्मण कर्म गुण प्रत्यक्ष आसी नारायण गरुड़े आसने बसाई विप्रंकु निज पुरे नै मुजे अनेक तप करी नहिली विप्र संगे सरी से प्रभु जगत जीवन मते नहिले अवधान तेणु भी अर्थ जन्म नाही देह थिबो काही पाई विष्णु अभावे जेउ प्राणी संपद सुख प्राय मणि तार जीवन धिक धिक जावत भोग सबु नरक एणु मो देहे नाही कार्य अनळे झास देवी आजि एमंत बोली नर साई पड़िला अग्निकुंडे डेई विष्णु जे थिले अन्य मार्गे त क्षणे ले उठिले बेगे यज्ञ अनळ कुंडे पशी राजा को धरिले आकर्षी विक्रमी गरुड़ कांधरे विजय कले धातिकारे बेनी जानुरे बेनी भृत्य बसाई कले कोलाग्रत दक्षिणे द्विज बामन रूप जेसने ब्रह्मा शिव रूप मध्य सुंदर देवराये शून्य शुभिला जय जय पथे कुसुम वृष्टि करि वैकुंठे विजे नर हरि से बेनी भृत्यंकु पारुषे रखिले अत्यंत विश्वासे से विप्र नाम अतिशील सुशील नामे महिपाल हे धर्मदत्त शुण तुम्भे से बेनी विष्णुगण आम्भे सर्वदा विष्णु लोके थाउ कार्तिक व्रते पूजा पाऊ जे पूजा उद्यापन काले से ही बसंती आम्भ मिले तुझे पुछिलु धर्म रीति तुलसी सेवा विष्णु भक्ति एबेनी सम करी जान कही अछंति नारायण से प्रभु भक्त विश्वास भणई महादेव दास इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्य अतिशील सुशील चरित कथन नाम ऊनविंश अध्याय आज तो श्रवण कले कार्तिक महात्म्यर ऊनविंशतम अध्याय मु पुणी आसिबी कार्तिक महात्म्यर आउ एक अध्याय नहीं रहुछि नमस्कार।